अस्सलाम वालेकुम, अल्फा एबी सिक्योरिटीज से मैं हूं शुजा कुरैशी। आज ट्यूसडे है 4th of May 2021 और मार्केट थोड़ी देर में अभी स्टार्ट हो जाएगी। आज अगर देखा जाए तो कल की खबरों की कंटिन्यूएशन में सबसे पहले तो छुट्टियां अनाउंस कर दी हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से। जो NCOC की रिकमेंडेशन थी वही, यानी कि 10th से 15th May, इसका मतलब ये है कि अगला पूरा हफ्ता ही ऑफ है। तो ये ट्रेडिंग वीक, लास्ट ट्रेडिंग वीक है ईद की छुट्टियों से पहले, और आज ट्यूसडे है, 2 दिन की ट्रेडिंग और होगी। और वैसे ही मैं जब से ये रिवाइज ट्रेडिंग आवाज आए हैं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग आज कम हो गए तो हम इसलिए देख रहे हैं एक्टिविटी भी कम हो गई है और मार्केट आहिस्ता से नीचे ही आ रही है। लेवल्स अट्रैक्टिव हैं, बट लेट्स सी किस टाइम पे कोई रिबाउंड आता है। कल भी हमने इंट्राडे रिबाउंड देखा था, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मौके पर 600 पॉइंट इंडेक्स नीचे था, फिर वहां से रिकवरी हुई, इंडेक्स पॉजिटिव भी टेरिटरी में ट्रेड हुआ थोड़ा सा, लेकिन फिर इन दी एंड थोड़ा मार्केट नेगेटिव बंद हुई थी। ओके, पहले आपको सिचुएशन पे अपडेट कर दें जो कोविड रिलेटेड है। पिछले 24 घंटे में जो केसेस आए हैं नए वो 3377 हैं, 161 डेथ्स हुई हैं, टेस्ट और कम हो गए हैं 37,587, पॉजिटिविटी रेशो तकरीबन 9% पर आ गया है। टेस्ट कम हुए हैं तो ये अच्छी बात है, हो सकता है कि इसका मतलब है कि लोग जो ज़्यादा सिम्टम्स फील नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि टेस्ट कम हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा, इन नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ी हैं अगर 24 घंटे और पिछले दिन से कंपेयर करें, जब 100 से नीचे आ गई थी दोबारा 161 हो गई हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग चीज़ है। अब देखते हैं कि ये जो थोड़ी लंबी छुट्टियां आ रही हैं उसमें और चीज़ें कंट्रोल हो पाती हैं या नहीं आती। अच्छा, आज कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही है, उसमें कोविड की जो सिचुएशन उस पर अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा जो EU पार्लियामेंट का डिसीजन आया है कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जहाँ पे वो पाकिस्तान का GSP स्टेटस है उसको रिव्यू करेंगे, तो उस पर भी बात होगी, ब्रीफ किया जाएगा कि क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए ताकि इस ये जो मूव है ये अप्रूवल ना हो, और ऑफकोर्स डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करने पड़ेंगे इसमें। फिर शौकत तरीन साहब ने कहा है कि जो IMF के साथ प्रोग्राम है उसको, उस पर उनसे बात करेंगे वो। अब जाहिर है कि ये सिर्फ मोटी मोटी बातें हैं, अभी कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सर्कुलर डेट को कम करें बाय अदर मीन्स, तो वो अदर मीन्स क्या होंगे उसकी तफसील नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि अगर हम टैरिफ बढ़ाते हैं तो उससे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हर्ट होगी और उससे चोरी वगैरह बढ़ती है, तो दैट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव ही चीज़ हो जाती है वो, और उससे सर्कुलर डेट और बढ़ेगा। तो ये इन्होंने बात की है। इसके अलावा ऐसा कोई और ऐसी खबर नहीं है, सो लेट्स सी कि मार्केट आज कैसे रिएक्ट करती है। कुछ स्टॉक्स, जैसे मैंने कल भी बात की थी रात में, कि जो काफ़ी उसमें स्पेकुलेशन हुई थी और प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, अब वो चूँकि रिवर्स हो रही हैं, उसमें नेटसॉल का रिजल्ट एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट जो हो रहा था फ्राइडे को 2 रुपये का लॉस थर्ड क्वार्टर में, तो वो फ्राइडे भी नीचे के लॉक पे था, कल भी सबसे पहले नीचे के लॉक पे लगा, फिर उसके पीछे TRG भी आ गया, एंड देन GGL जो रिसेंटली काफ़ी उसमें अपर लॉक्स लगे थे वो नीचे के लॉक्स लग रहे हैं। अदर देन दैट जो और स्टॉक्स हैं फंडामेंटली अच्छे हैं। आई थिंक आई वुड अगेन फोकस, जो मैंने कल कहा था साइक्लिकल सेक्टर में अगर फोकस किया जाए, सीमेंट, स्टील, ऑटोज, यहाँ पे अभी भी मैं समझता हूँ कि रूम है अपसाइड का अच्छा खासा, जो फॉरवर्ड अर्निंग्स अगर हम देखें जो नज़र आ रही हैं। और जैसे मैंने कल भी कहा था, एक चीज़ और टू लुक फॉरवर्ड टू इज़ कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन और कोविड की थर्ड वेव, कुछ एनालिस्ट यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एक स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी इस महीने आनी है ईद के बाद, उसमें जो एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज था 25 से 50 basis points का, वो शायद डिफर हो जाए और फिर जुलाई तक वो चला जाए, तो दैट वुड बी अ बिट पॉजिटिव। तो यही खबरें हैं सच। टेक्निकल लेवल से मैंने कल आपको बताया था 43,600 पे एक सपोर्ट थी, जो हमने कल उसको देखा भी कि वहाँ पे सपोर्ट आई, वहीं से इंडेक्स वापस ऊपर की तरफ गया था, और अगर मज़ीद नीचे आता है और ये भी लेवल ब्रीच होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहते हैं कि 43,000 पर होगी। बट हमने देखा है कि कभी कभार मार्केट जो है वो टेक्निकली नहीं चलती है। लास्ट वीक एग्जांपल, एकदम से हमने देखा था OGDC BPL में एक बाइंग आई थी PSO में और इंडेक्स 1200 पॉइंट प्लस हो गया था। सो जो लेवल्स हैं, जैसे मैं अगेन बताता चला आ रहा हूँ कि अट्रैक्टिव होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट नीचे आती है तो ऑफकोर्स वैल्यूएशंस और अट्रैक्टिव हो जाती हैं। तो आई वुड अगेन से, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि एक्यूमुलेशन डिप्स पे करना चाहिए। सो विद दैट आई थिंक और कोई खास ऐसी खबर नहीं है, तो लेट्स सी आज मार्केट कैसी रहती है। और जो जो इन्वेस्टर्स
जो छुट्टियां आगे देख रहे हैं कि लंबी हैं और वो या तो साइड लाइन रहते हैं या फिर वो इंट्राडे ट्रेड करके ही कुछ प्रॉफिट्स बुक करते हैं, देखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस को आई थिंक हो सकता है कि वो आके कुछ अपनी पोजीशंस बिल्ड करना शुरू करें, जैसे कि मैंने कहा भी है कि क्योंकि हम समझते हैं कि अभी रूम अपसाइड का काफ़ी स्टॉक्स में हमको नज़र आ रहा है बेस्ड ऑन द रिसेंट रिजल्ट्स जो आए हैं। सो विद दैट आई एंड द लाइव ट्रांसमिशन, और फिर इंशाल्लाह रैप पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।